नमस्कार, आप सभी का द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में स्वागत है और मैं हूं प्रियंका। दूसरे शारदीय नवरात्रि की आप सबको बधाई। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। राजा हिमालय के घर पुत्री स्वरूप में जन्मी माता पार्वती का ही दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी है। भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर साधना, जप और तप किया। इस वजह से ही देवी का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। शिव की साधना में लीन रहने वाली इस देवी ने कठोर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया। उनकी इस जीवटता और दृढ़ निश्चय के कारण उनको माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। इनकी साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या, हर संकट दूर हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने से दिक्कत आ रही है तो ब्रह्मचारिणी की पूजा से वो दूर हो जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पीले या सफेद वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। इस दिन देवी को सफेद वस्तुएं अर्पित करने से भाग्य चमक जाता है। पूजा करते समय उनको चमेली का फूल, अक्षत फल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करने चाहिए। माता को सेब, पान का पत्ता, सुपारी, चीनी और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम एम नमः का जाप करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पढ़नी चाहिए और अंत में विधि पूर्वक माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी रूप बेहद शांत, सौम्य और मोहक है। मान्यता है कि माँ के इस रूप को पूजने से व्यक्ति को तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माँ के स्वरूप को पूजने से साधक होने का फल मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और उसको लाइक और शेयर जरूर से करें। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।